बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू द कैंटर पब्लिशर्स वीडियो लेसन्स। बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव विद यू क्लास 7 इंग्लिश टेक्स्ट बुक एंड रिसोर्स पैक। रिसोर्स पैक इज फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स गाइडेंस। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट फ्रॉम कैंटर पब्लिशर्स ऑफिशियल वेबसाइट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेसन फ्रॉम यूनिट 6, हर्ट नो लिविंग थिंग। SLOs ऑफ दिस लेसन आर यूज एडवर्ब्स ऑफ मैनर, डिग्री, फ्रिक्वेंसी, time, place and reason. We have discussed the use of adverb of manner, degree, time, place and frequency in detail with examples. Now we are going to do the exercises of it. Page number 73 of your textbook, section H, pick out the adverbs and modify words in the following sentences. Write which part of speech the modified word is, like an adjective or adverb. And the first one has been done for you. इन sentences में से आपने क्या करना है, वो verb जो modify हुआ या वो adjective जो modify हुआ है आपने यहाँ पर लिखना है, और part of speech कौन सा है, like adjective है, adverb है, क्या है, या noun है, आपने वो यहाँ पर लिखना है। mostly जो होगा वो verb या adjective होगा, और कौन सा adverb of time है, place है, frequency है और मैनर है, वो आपने यहां पर लिखना है इस कॉलम में। लुक हियर द फर्स्ट वन, ही समटाइम्स कॉल्स हर। अब समटाइम्स क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम है समटाइम्स, और स्कोल्ड क्या आपका वर्ब है। अब पूरे सेंटेंस में से हमने क्या अलग करना है, एडवर्ब, टाइप ऑफ एडवर्ब और पार्ट ऑफ स्पीच को हमने सेपरेट करना है इन टू कॉलम्स। समटाइम्स इज अ एडवर्ब ऑफ टाइम हियर, कि वो क्या है, कभी कभी उसको डांटता है। द सेकेंड वन इज ही थिंक्स लॉजिकली। अब आपका लॉजिकली क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, कि किस तरह वो सोचता है, लॉजिकली सोचता है, तो ये आपका इधर आ जाएगा लॉजिकली एडवर्ब में। एंड द थिंग्स इज यस, इट्स अ वर्ब एंड इट्स अ पार्ट ऑफ स्पीच, इट्स अ मेन वर्ब हियर। The fourth one is, she speaks well. Again, well जो है आपका adverb of manner है, कि वो कैसे बोलता है, किस manner में बोलता है, बहुत अच्छे तरीके से बोलता है, तो well आपका हो जाएगा adverb of manner, और speaks हो जाएगा आपका verb जो कि part of speech है। The third one, it was an enchantingly beautiful night. अब इसमें जो है enchantingly जो है खूबसूरती से, सुरीले अंदाज में, या enchanting कहते हैं beautiful को, बहुत ज्यादा आपको like it attracts you. Look at the third one here, it was an enchantingly beautiful night. Enchantingly means ऐसी चीज होती है enchantingly जो आपको attract करे अपनी तरफ, तो ये आपका enchantingly जो है एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। यहां पर आप लिखेंगे इसको कि कैसी नाइट है, enchantingly, और इसमें जो है आपका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, यस ब्यूटिफुल, जो कि क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर रहा है यहां पर, नाउन नाइट को। द फिफ्थ वन, द सन हैज ऑलरेडी राइजन टूडे। अब ऑलरेडी क्या है आपका, यस टाइप ऑफ एडवर्ब है, ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, और आपका जो वर्ब है, जो मेन एक्शन है, राइजन है। द सिक्स्थ वन इज, दे आर एक्सट्रीमली एंग्री विद हिम। एक्सट्रीमली आपका एडवर्ब हो गया, एंड आपका वर्ब क्या होगा, यस एंग्री, गुस्सा होना। सेवेंथ वन, आई यूजुअली गो टू बेड एट 10 o'clock। यस 10 o'clock इज एडवर्ब ऑफ टाइम, और इसमें आपका जो दूसरा एडवर्ब है यूजुअली, तो यहां पर जो है यूजुअली आपका जो है मेन एडवर्ब है, वो यहां लिखेंगे हम।
ये एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है यूजुअली आपका, और गो आपका हो जाएगा वर्ब. 8 to 14 सेंटेंसेस ये आपका होम टास्क है इस सेक्शन से, ये आपने खुद ही करना है. इसी तरह यू हैव टू सेपरेट द टाइप ऑफ एडवर्ब इन दिस कॉलम हियर एंड द पार्ट ऑफ स्पीच इन दिस कॉलम. सेक्शन आई, सॉर्ट द एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस, राइट देम इन एप्रोप्रिएट कॉलम्स, वन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर ईच टाइप. फ्रेज हम किसे कहते हैं? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड. It doesn't have its own meaning and doesn't convey the full meaning, but it's a part of sentence. जैसे कि ये आपका क्या है? फ्रेज है. एट स्कूल, एट द विलेज. अब एट आपका क्या है? प्रपोजिशन है इसमें. इट्स अ ग्रुप ऑफ टू और थ्री वर्ड्स एज आई टोल्ड यू. तो ये आपके क्या है? एडवर्ब फ्रेजेस है. एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, टाइम है, प्लेस है, डिग्री है, मैनर है. अब आपने क्या करना है? इनको सेपरेट करना है डिफरेंट कॉलम्स में. इस तरह आपने क्या है? बना लेना है कॉलम्स, लाइंस ड्रॉ करके नोटबुक में. इधर आपने लिखना है कि एडवर्ब ऑफ मैनर वो यहां पर लिखने है, इस तरह एडवर्ब ऑफ टाइम इधर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिग्री एंड प्लेस एक्सेट्रा. ये सारे जो है मिक्स दिए गए हैं, आपने इनको सेपरेट करना है इन कॉलम्स में, अपनी नोटबुक में लाइंस कॉलम्स जो है बनाने, लाइंस ड्रॉ करके. फर्स्ट वन है नेवर, आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये आपने उसमें लिख देना है. एट स्कूल आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है. एट द विलेज आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है. आफ्टर लंच क्या है? आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है. टुडे आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है. इन द सिटी आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है. ऑलमोस्ट क्या है? आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. ये जो सारी टाइप्स हैं एडवर्ब की, हमने डिटेल में जो है डिस्कस की है आपके प्रीवियस लेसन्स में, और आपकी प्रीवियस क्लासेस में भी 6 और 5 में भी डिस्कस किए हैं. एंड द सीरियसली इज व्हाट? यस, एडवर्ब ऑफ मैनर हियर. एंड हॉस्पिटल इज व्हाट? एडवर्ब ऑफ प्लेस हियर. देयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस. नेक्स्ट डे, एडवर्ब ऑफ टाइम. ऑन बोर्ड, एडवर्ब ऑफ प्लेस. नियरली, एडवर्ब ऑफ डिग्री आपका आ जाएगा. Calmly, adverb of manner हो गया आपका. Soon, adverb of time. Slowly, adverb of manner. On weekends, adverb of time. बाकी के जो words हैं, adverbs हैं, आपने खुद ही उनको separate करना है columns में draw करके. ये आपके लिए examples भी दी हुई है यहाँ पर. Adverb of time क्या है? आपका now है. Adverb of place is here. Adverb of frequency is always. Adverb of manner is quickly. Adverb of degree is quiet. किस time, कौन सी जगह, किस frequency में, किस manner में और किस degree तक. ये आपको सही से बताया गया है कि कौन सा काम किस manner, degree, frequency और किस जगह और time पर हुआ है. Page number 74. Position of adverbs in sentences. We can put adverbs in different position in sentences. There are 3 main position, but also a lot of exceptions. In English, we never put an adverb between the verb and the object. What we do? We never put an adverb between the verb or object. Adverb ko verb or object ke darmiyan mein kabhi bhi nahi lagate. Jaise ki aapka correct one hai, we often play handball. Incorrect kaise hoga aapka? We play often handball. ऑफन जो है आपने इधर नहीं लगाना है, वो सब्जेक्ट के बाद लगाना है जो कि वी है आपका. वी इज योर सब्जेक्ट एंड यू हैव टू पुट एडवर्ब हियर आफ्टर द सब्जेक्ट एंड द वर्ब हियर एंड द हैंडबॉल इज व्हाट? यस, एन ऑब्जेक्ट हियर. द 3 मेन पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स आर हियर. एडवर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस. यू कैन पुट एडवर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस लाइक दिस वन. अनफॉर्चुनेटली वी कुड Not see Mount Ketu. अब unfortunately क्या है आपका? Yes, adverb है. इसको हम start में लगा सकते हैं. It is correct. Adverb in the middle of a sentence. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप subject के बाद लगा सकते हैं. The children आपका क्या subject है? Example देखें. The children often ride their bikes. Often क्या है आपका? Adverb है. Ride आपका verb हो गया और bikes क्या हो गया? Object हो गया. And the third one is adverb at the end of a sentence. Yes, you can put adverb at the end of the sentence, like this one.
You speak English well. Well is adverb of manner here. स्टार्ट में आप लगा सकते हैं, उसके बाद आप सब्जेक्ट के बाद लगा सकते हैं, देन बिल्कुल एंड में लगा सकते हैं. तो थ्री पोजिशंस है, उसके अलावा आपने जो है वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान नहीं लगाना. पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स डिपेंड ऑन देयर टाइप. अब टाइप पे भी डिपेंड करता है कैसे. एडवर्ब ऑफ डिग्री लाइक रियली, वेरी, क्वाइट, यूजुअली गो इन मिड पोजिशन. एडवर्ब ऑफ डिग्री आपके मिडल में आ सकती है, जैसे कि सब्जेक्ट है आपका आई, एडवर्ब इज रियली, वर्ब इज लाइक, एंड द पिंक फ्लावर इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. लाइक आपका वर्ब हो गया, रियली इज अ एडवर्ब ऑफ डिग्री हेयर, एंड द सब्जेक्ट इज आई हेयर. सो इट कैन बी पुट इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री लाइक लॉट एंड बट यूजली गो इन एंड पोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, वी गो टू ओकारा अलॉट. अलॉट इज एडवर्ब हेयर, गो टू इज अ वर्ब हेयर, एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ओकारा, एंड द वी इज सब्जेक्ट हेयर. Adverbs of manner are put behind the direct object or behind the verb if there is no direct object. Subject is he, verb is draw, and direct object is the car, and the adverb is carefully. He drove the car carefully. He drove carefully the car here. तो ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा और आप उसको एंड में एडवर्ब को लगा सकते हैं. ये यही चीज है जो हमने यहां पर पढ़ी है. Adverb of place are put behind the direct object or the verb. Like, I didn't see him here. अब आपका object इधर आ सकता है. ये आपका object हो गया, didn't see आपका main verb, and the I is the subject here. And adverb of place is here. He stayed behind. या आप कोई भी object लगा सकते हैं. An adverb of time are usually put at the end of the sentence. For example, I will tell you the story tomorrow. I subject, verb is will tell, you is an indirect object. Direct object क्या है? The story. आपका जो इसमें pronoun है you, आपका indirect object हो जाएगा. और tomorrow is the adverb of time here. If you don't want to put emphasis on the time, you can also put the adverb of time at the beginning of the sentence. Like tomorrow, I will tell you the yesterday. आप किसी चीज पे जो है उसको जोर नहीं डाल रहे, उसको emphasize नहीं कर रहे हो, तो आप जो है adverb of time start में भी लगा सकते हैं. Like this one here. Adverb of frequency are put directly before the main verb. If B is the main verb and there is no auxiliary verb, adverbs of frequency are put behind B. Is there any auxiliary verb? However, adverbs of frequency are put before B. Like this one here. I often go swimming in the evenings. He doesn't always play tennis. We are usually here in summer. I have never been abroad. अब place or time आपका ये हो गया adverb of. Place or time आपका ये हो गया जो कि object है. Adverb आपके ये हो गए often, always, usually, never. Main verb आपके ये हो गए और auxiliary verb ये हो गया आपको, जो link करते हैं object को और main verb के साथ. क्या है? Help करते हैं to complete the sentence. Auxiliary और helping verbs क्या होते हैं? They work together with the main verb and to complete the sentence. And these are the subject here. When the verb is transitive with an object of following, place the adverb immediately after. Transitive or intransitive का हमने पढ़ा था. Transitive जिसमें कोई object नहीं होता further in the sentence, but intransitive में क्या होता है? आपका object होता है. She endured the pain bravely. अब जो bravely है इधर आपका क्या है? Adverb है. इसमें कोई object नहीं है इधर इस sentence में. The verb is transitive in this sentence, so we have to put the adverb immediately after the object here. He offered his help willingly. She sang the song beautifully. He drove the car fast. Song, help, pain, car, आपके क्या है? Object है. तो उसके बाद हमने एकदम से क्या लगा देना है? Yes, adverb. He did the job well. He gave his consent immediately. Consent, job आपका क्या है? Object है इसमें.
एन एडवर्ब विच मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब कम्स बिफोर इट. और जिस वर्ब या एडजेक्टिव को हम मॉडिफाई करेंगे एडवर्ब हमेशा उससे पहले आता है. जैसे कि शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, दे आर हाईली कम्पिटेटिव, द गर्ल सैंग सो स्वीटली. हेयर द एडवर्ब वेरी मॉडिफाइज द एडजेक्टिव ब्यूटिफुल. वेरी आपका क्या एडवर्ब ऑफ डिग्री और ब्यूटिफुल आपका एडजेक्टिव है जो कि डिफाइन कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है शी. द प्रोनाउन इज अ गर्ल. दे आर हाईली कम्पिटेटिव. कम्पिटेटिव इज अगेन द एडजेक्टिव एंड हाईली इज एडवर्ब ऑफ डिग्री. द गर्ल सैंग सो स्वीटली. सो इज हेयर द एडवर्ब ऑफ डिग्री हेयर एंड स्वीटली इज एन एडजेक्टिव हेयर विच इज मॉडिफाइंग द सिंगिंग ऑफ गर्ल हेयर. एंड इन द थर्ड सेंटेंस हेयर द गर्ल सैंग सो स्वीटली. स्वीटली आपका क्या है एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है कि वो गाना कैसे गा रही है. सैंग गाना गाया उसने और सो आपका क्या एडवर्ब ऑफ डिग्री है. तो एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ मैनर एक साथ हैं इधर. सो आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है. नॉट दैट एडवर्ब इनफ कम्स आफ्टर द एडजेक्टिव इट मॉडिफाइज. और आपके जो हैं एडवर्ब एडजेक्टिव के बाद आ सकते हैं जिसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं. ही वॉज फुलिश इनफ टू ट्रस्ट हर. अब फुलिश आपका क्या है एडजेक्टिव और इनफ आपका क्या है यस एडवर्ब है. शी इज ओल्ड इनफ टू डू थिंग्स ऑन हर ओन. ओल्ड आपका एडजेक्टिव है इधर और इनफ आपका एडवर्ब है. पेज नंबर 76 सेक्शन ए. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स. वी हैव डिस्कस द पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स in detail with examples. So this is the exercise of it. Adverb aapka hai never. Ab isme se aapne choose karna hai correct sentence jo ke sahi order mein hai. The position of adverbs which we have discussed, you have to keep in mind all of them and do the exercise. Which one will be the correct one? I have never seen a whale. Never I have seen a whale. I never have seen a whale. A whale never have I seen. Which one will be correct? अब आपने क्या करना है सब्जेक्ट के बाद जो है आपका have आ जाएगा जो कि क्या है linking verb है. तो ये आपका correct होगा. I have never seen a whale. अगर linking या helping verb नहीं है auxiliary verb नहीं है तो immediately आपने सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब लगाना है. और उसके अगर है तो उसके बाद आपने लगाना एकदम से. सो दिस वन इज करेक्ट हियर. आई हैव नेवर सीन अ व्हेल. द सेकंड वन इज सेल्डम. आई एम सेल्डम लेट फॉर वर्क. सेल्डम आई एम लेट फॉर वर्क. आई सेल्डम एम लेट फॉर वर्क. सेल्डम एम आई लेट फॉर वर्क. सो वी नो दैट आई एंड एम इज गो together. I am seldom late for work. So I am aapka kya ho jayega. This is the subject here and seldom is adverb and late is yes verb here and work is object here. So isi tarah aapne position of adverbs ko choose karna. This one is the correct here. The third one is I get up early always. Always I get up early. I always get up early. I get up always early. Which one will be the correct? अब get up जो है आपका क्या है? Yes, this one is verb here. So we have to put the adverb immediately after the subject. So this one is correct. I always get up early. I is a subject here, always is adverb and get up is verb here. The fourth one is sometimes. It sometimes get very windy here. Sometimes it get very windy. Very windy here it gets sometimes. Very windy sometimes it gets here. It जो है आपने consider करना है इसको subject. Gets आपका verb हो जाएगा. Yes, sometimes is sub adverb here. So this one is correct here. It sometimes gets very windy here. Very आपका adverb of degree भी है इधर. And the fifth one here, often, my boss is often bad-tempered. My boss often is bad-tempered. My boss is bad-tempered often. And bad-tempered, my boss often is.
माय बॉस इसमें क्या आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, देन इज आपका जो होएगा एक्सिलरी या लिंकिंग वर्ब आप उसको कह दें, और फिर आपका ऑफन हो जाएगा इज द एडवर्ब एंड बैड टेम्पर्ड एडजेक्टिव हियर. सो दिस इज द करेक्ट वन, द फिफ्थ वन. द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. सेक्शन बी हियर, रीराइट द सेंटेंसेस एंड पुट द एडवर्ब्स इन ब्रैकेट करेक्टली. यू हैव बीन गिवन द एडवर्ब्स इन ब्रैकेट्स हियर, स्लोली, वंडरफुली, ऑफन, एवर. नाउ आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट इन अ राइट ऑर्डर हियर, इन अ करेक्ट ऑर्डर. पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स को आपने माइंड में रखना है और इसी तरह आपने सेंटेंसेस को लिखना है. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज हियर, शी स्पीक्स, और स्लोली आपका जो है एडवर्ब है. सो हाउ वी विल राइट इट, यस शी स्पीक्स स्लोली, इट्स एन एडवर्ब ऑफ मैनर हियर. शी आपका क्या होगा सब्जेक्ट, स्पीक्स इज अ वर्ब हियर एंड स्लोली इज अ एडवर्ब. वी हैव डिस्कस्ड इट दैट यू कैन पुट एडवर्ब एट द एंड ऑफ द सेंटेंस टू. दे सैंग, यस वंडरफुली. The third one is I have been to London, and the adverb is often here. So what will you do? I ko hum pehle likhenge, fir uske baad often, and have been and to London. The fourth one is have you ever been to Quetta, and ever is adverb here. इसका राइट ऑर्डर क्या होगा, हैव यू एवर बीन टू क्वेटा, द फिफ्थ वन इज ही प्लेज क्रिकेट ऑन संडेस. अब हमने क्या करना है, समटाइम्स जो आपका एडवर्ब है उसको इमीडिएटली लगाना है आफ्टर द सब्जेक्ट. He sometimes play cricket on Sundays. इसी तरह sixth one है आपका, the weather is bad in November. The weather is subject here and always is adverb here. The weather, और आपका is क्या है, yes linking verb here. The weather is always bad in November. So you will put always the adverb here after the is immediately. After the is here. The seventh one, it rains in desert. It आपका subject आपने consider करना है और it के बाद immediately आपने क्या करना है, never लगाना. It never rains in desert. 8 to 15 sentences है आपका home task. Section C here. Arrange the words to make sentences. Place time expression at the end of the sentence. Time और place expression जो है हमने at the end of the sentence लगाने हैं और इसको arrange करना है. Haven't recently seen I him. So what will be the correct order? I haven't seen him recently. अब रिसेंटली क्या है आपका एडवर्ब है जो हमने एंड में लगाना है बिल्कुल. आई विल यू सी सून, आई विल सी यू सून. आई विल, आई क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, विल आपका लिंकिंग या एक्सिलरी वर्ब हो गया, इधर आपका मॉडल वर्ब आ रहा है. सॉरी, विल आपका क्या है मॉडल वर्ब है, और सी आपका क्या है मेन वर्ब, यू आपका ऑब्जेक्ट है, और सून आपका एडवर्ब है. आफ्टरवर्ड्स मेट एट द पार्क हिम, वी मेट हिम आफ्टरवर्ड्स एट द पार्क. एट द पार्क आपका क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस है. हेल्प इमीडिएटली आई नीड, it's very easy, I need help
फिर आपके बाद इसके बाद आपने इमीडिएटली लगा देना है. द फिफ्थ वन इज वॉज एरोगेंट ही देन वेरी ही देन वॉज वेरी एरोगेंट. दिस इज द करेक्ट ऑर्डर. 6 to 9 सेंटेंसेस इज योर होम टास्क. यू विल do the same as I did. Till next lesson, Allah Hafiz and thank you.